लकड़गंज पुलिस थाना अंतर्गत लाड़पुरा जैन मंदिर के पास खड़ी महिला हर्षा जैन के गले से सोने की चेन छीनकर भाग रहे दो आरोपी सचिन टाकली और दूसरा आरोपी रुपेश पांडे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि इनमें से सचिन टाकलीकर 18 साल की जेल की सजा काट कर वापस आया था, एक बार फिर उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी। फिलहाल इस मामले में आगे की जांच लकड़गंज पुलिस कर रही है। लकड़गंज पुलिस स्टेशन के अंतर्गत लाड़पुरा जैन मंदिर के पास खड़ी महिला हर्षा जैन के गले से सोने की चेन भाग कर रहे दो आरोपी सचिन टाकलीकर और दूसरा आरोपी रुपेश पांडे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि इनमें से पहला आरोपी सचिन टाकलीकर, जो कि 18 साल की जेल की सजा काट कर वापस लौटा था, उसे एक बार फिर जेल की हवा खानी पड़ेगी। काल दिनांक 18/9/2022 रोजी एक महिला जैन मंदिरातून आपली पूजा अर्चना करून घरी निघाली होती, तेव्हा दोन बाईकस्वार येऊन त्या महिलेचं मंगळसूत्र ओढण्याचा प्रथम प्रयत्न केला, तिने वाचवण्याचाही प्रयत्न केला, पण त्यातला एक जो खाली उतरला होता त्याने तो जबरदस्तीने मंगळसूत्र ओढले आणि तो घेऊन पळून गेला। एका इसमानंही त्याला मदत करण्याचा प्रयत्न केला पण दोन्ही सक्सेस झाले नाही। लगेच आमच्या DB पथकाला माहिती झाल्यावर हेड कॉन्स्टेबल अरुण धर्मे आणि PSI बारंगे यांची जी टीम होती हे त्या दोन्ही याच्या दोन्ही इसमाच्या माहिती घेण्याच्या मागं लागले। सर्व शहरात अलर्ट करण्यात आलेले होते, काही तांत्रिक मदतसुद्धा घेण्यात आली आणि काही माहितीकारांनीसुद्धा माहिती दिली, त्यानुसार त्यांना लगेच आरोपीसुद्धा मिळाले आणि चेनसुद्धा त्यांनी हस्तगत केली। फिलहाल नागपूर क्षेत्र में लगातार चेन स्नेचिंग की वारदातें बढ़ती ही जा रही है, जिस पर लगाम कसना अब पुलिस के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही है। इन बीसी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।